पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। मन की एकाग्रता में ही सारा ज्ञान छिपा है। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है, जब एक ही जगह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। एक समय में केवल एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहली बार में बड़ी योजनाएं मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ते रहो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हो तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उठो और जागो, तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। जीवन का रहस्य केवल भोग और आनंद में नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति में है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। वो कायर है जो कहता है यह किस्मत है, वह मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। कभी ना कहो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, सभी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। खड़े हो जाओ और हिम्मत करके अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ले लो। यह तय करो कि अब से अपनी असफलता के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराओगे, न किसी और के भरोसे कोई काम करने की सोचोगे। तभी तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर पाओगे और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे अपने जीवन से तुरंत निकाल दो। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। जीवन का रहस्य भोग से नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं होता। हमारे देश में नायकों की जरूरत है। नायक बनो, तुम अपने कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुयायी खुद बढ़ जाएंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए कुछ भी